नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसे। तो एसे क्या है वो आपको समझ आ गया। अब हम कर रहे हैं एसे की टाइप्स जो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एसे है उसका सोर्स क्या है, क्या वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। ऑन दैट टाइप किसके बेसिस के ऊपर हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से एसिड को ऑब्टेन किया गया है। एसिड आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज नोन एज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स जो ऑब्टेन किए जा रही है फ्रॉम द प्लांट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग इन द एनिमल्स। तो उसका सोर्स क्या हो सकता है, एनिमल्स प्लांट ह्यूमन बीइंग। और जो मिनरल एसिड होता है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ, इसी कारण तो इसे मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल और इसको लेबोरेटरी में भी सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जा सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल अकरिंग है। ठीक है, ये मिनरल से ऑब्टेन होते हैं तो नाम याद आ ही जाएगा आपके दिमाग में कि इनका क्या होता है, मिनरल एसिड। एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, तो बहुत सी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। हमने किया था कि लेमन ऑरेंज पोसेस व्हाट, यस ऑरेंज, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, अभी हम करके हटे हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो ये क्या है, प्लांट के पार्ट है, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें प्रेजेंट था, आंट स्टिंग में, है ना। मिनरल एसिड की भी एग्जांपल हम जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हमने कार्बेटरीज में रेफर किया था सल्फ्यूरिक एसिड। HCl की अभी आपको एग्जांपल करवाई थी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और ये होते हैं मिनरल एसिड। आपके पास नॉर्मली एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में और नाम भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन आप कह सकते हो। लेट आपसे क्वेश्चन पुट किया गया कि गिव द नेम ऑफ थ्री मिनरल एसिड, तो दे सकते हो, दो मैंने लिख दिए, तीसरा कौन सा आप रेफर करोगे, क्या आ रहा है माइंड में, कुछ न्यू वन करते हैं हम जो आपने पहले नहीं सुना, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड होता है, ये सभी लैब में ऑब्टेन किए जा सकते हैं या फिर ये मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर, वन टाइप क्लियर है, एसिड की कैटेगरी हमने बनाई डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्स। दूसरी कैटेगरी है एसिड की टाइप की, दैट इज बेस्ड अपॉन कि ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है या फिर पार्शली। अब सोर्स बेसिस नहीं ले रहे हम किसको बेस ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, हमने क्या किया, एसिड को पानी में वाटर में डिसोल्व किया, वी डिसोल्व एसिड इन वाटर। If that completely dissolve हो जाता है and dissociate to produce large number of H positive ion, अगर वो पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो गया, उसने बहुत सारे H पॉजिटिव प्रोड्यूस किए, तो हम उसे नाम क्या देंगे, दैट इज नोन एज
एसिड, उसका नाम हम क्या रख देंगे, स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जो अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, HCl पढ़ा, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका ऑपोजिट क्या होगा आपके माइंड में आ गया होगा, दैट इज वीक एसिड। इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, मतलब ये पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते और लेस अमाउंट में एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या रेफर कर सकते हैं, दीज एसिड नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, या आप कह सकते हो दे पार्शली डिसॉल्व इन वाटर और प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये कम मात्रा में एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या लें, क्या लें, जो हमने कोल्ड ड्रिंक्स में पढ़ा था एसिड, कौन सा एसिड था, H2CO3। क्या नाम है इसका, सी, सी से दिमाग में लेकर आओ, दैट इज कार्बोनिक एसिड, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल है, दैट इज ऑफ द वीक एसिड। इसके अलावा और एग्जांपल कोई माइंड में आ रही है, विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड था, एसिटिक एसिड। अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं करना चाहते, दैट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन कोशिश करो, केमिस्ट्री है, केमिकल है, जितना आप इसको याद करोगे उतना आपको आगे जाकर केमिस्ट्री इजी लगेगी। तो ये हमारे आ गए दो टाइप के एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वन। किसके बेसिस के ऊपर ले रही हैं हम, कि ये पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। अब इसकी लेते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसमें हम करेंगे क्या कि एसिड कितना प्रेजेंट है, ठीक है, हो गया नोट। अब इसको रब कर दें हम, हमारे पास दो कैटेगरी कर ली, फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग वीक की, और उससे पहले हमने क्या रेफर किया था कि वो कहां पर प्रेजेंट है, मतलब नेचुरली है या सिंथेटिक है, ऑन दैट बेसिस ऑर्गेनिक एंड मिनरल। हो गए यार, ये चार टाइप आपने याद कर लिए। लास्ट दो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, उसको हम क्या रेफर कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा नाम क्या है, डिल्यूट एसिड। ये बहुत कॉमनली यूज होंगे, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां पर आपके पास रिएक्शन जब दिए जाते हैं तो वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि ये रिएक्शन अपने स्ट्रॉन्ग एसिड से करना है, ये डिल्यूट से करना है, ये कंसंट्रेटेड से करना है। तो इस टर्म को आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है, पिक्चर सेट कर लेनी है। तो हमारे पास कंसंट्रेटेड और डिल्यूट एसिड क्या होते हैं, अगर बेटा जो आपके पास एसिड दिया गया है उसमें पानी कम है और एसिड ज्यादा है तो उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड, अगर कर एसिड कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिल्यूट। ठीक है, हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, एसिड विच कंटेन लो अमाउंट ऑफ, लो अमाउंट ऑफ, और ये भी कह सकते हैं दैट नो अमाउंट, नो वाटर, अमाउंट ना लिखे, नो वाटर इज प्रेजेंट। एसिड विच कंटेन वेदर लो अमाउंट या फिर नो वाटर इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड।
और जिसमें एसिड लिया उसमें पानी डालते जा रहे हैं, पानी ज्यादा है एसिड कम है, विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। क्लियर? तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? पानी के ऊपर। आपके पास ये एसिड है, लेट्स सपोज 90% और 10% इसमें क्या है? वाटर। तो इसको क्या नाम दू मैं? ऑब्वियस है ये कौन सी टाइप होगी? कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि एसिड ज्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम कह दें कि ये एसिड है, इसमें 90% वाटर है और 10% एसिड है, तो ये कौन सी टाइप आ जाएगी? डाइल्यूट। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एसिड। दोबारा माइंड में ले आओ, ऑर्गेनिक मिनरल किसके बेसिस के ऊपर? सोर्स बेसिस के ऊपर। स्ट्रॉन्ग वीक कैसे डिसाइड करना है कि वो वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व होता है या फिर नहीं। और लास्ट हमने किया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट किसके बेसिस के ऊपर किया? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, सॉरी अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट, या कैसे अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज वीक, सॉरी दैट इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड।